सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। अनुपमा को दुखी करने के लिए पाखी ने पार की सारी हदें, काव्या ने की वनराज से हैरान करने वाली डिमांड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रूपाली गंगोली, मदरसा शर्मा और सुधांशु पांडे स्टारर फेमस टीवी सीरियल अनुपमा में अब नए ट्विस्ट आने वाले हैं। अनुपमा के घर में ड्रामा ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? अनुपमा की जिंदगी में नई परेशानियों का दौर शुरू हो गया है। कभी बेटी पाखी तो कभी काव्या उसकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड में पाखी किंजल और नंदनी से भिड़ती नजर आएगी। वहीं वनराज की मुसीबतें भी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। काव्या की डिमांड भी वनराज को परेशान करने वाली है। अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर में ड्रामे के बीच काव्या पाखी को डांस सिखाने से मना कर देगी। वो पाखी से कहेगी कि वो थक चुकी हैं और उसे ब्रेक चाहिए। इस बात से पाखी नाराज हो जाएगी और घर के बाकी सदस्यों पर उसका गुस्सा फूटेगा। गुस्से में वो अकेले ही प्रैक्टिस करने की बात तय करेगी। अनुपमा से पाखी की परेशानी देखी नहीं जाएगी और अनुपमा नंदनी को डांस सिखाने के लिए भेजेगी। पाखी नंदनी को देखकर और गुस्सा हो जाएगी और उसे अनुपमा की चमची कहेगी। यह सब बात पास खड़ी किंजल सुन लेगी और किंजल पाखी को डांटेगी। ऐसे में पाखी किंजल और नंदनी दोनों पर चिल्लाएगी। पाखी को किंजल समझाने की कोशिश करेगी कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन पाखी को कुछ समझ नहीं आएगा। गुस्से में पाखी कहेगी कि अगर वो कंपटीशन हारती है तो उसकी जिम्मेदार अनुपमा नंदनी और किंजल होगी। घर में हो रही इस लड़ाई से अनुपमा परेशान हो जाएगी। वहीं समर और परितोष भी अपसेट हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वनराज टैक्स की बात को लेकर परेशान रहेगा। इसी बीच काव्या उसे जिद करने लगेगी। काव्या उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए कहेगी, जिस पर वनराज उसे घर की परेशानियों को समझने के लिए कहेगा। सभी बातें सुनने के बाद भी काव्या समझने के लिए तैयार नहीं रहेगी। काव्या कहेगी कि उसने लंबे वक्त से वनराज के साथ वक्त नहीं गुजारा है। वनराज मना करता रहेगा लेकिन काव्या फोर्स करती रहेगी।